गाजियाबाद आना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, शकील भाई से मैं सालों से कनेक्टेड हूँ, शकील भाई से अराउंड 10 सालों से कनेक्टेड हूँ, और अच्छा लगता है। मेरी कभी भी कोई नई मूवी रिलीज़ होती है या उसके बारे में मुझे बात करनी होती है, जैसे भुज द प्राइड ऑफ इंडिया हुई थी तो मैंने मीडिया के साथ ही देखी थी, हालांकि वो OTT पे रिलीज़ हुई थी बट मैंने मीडिया के साथ हॉल पे देखी थी, तो वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड देन अभी यहाँ पे आना, हमेशा से मैं तो एक कॉल पे शकील भाई के, चाहे दिल्ली से आना हो, चाहे मुंबई से आना हो, चाहे गुजरात से आना हो, मैं ज़रूर पहुँचता हूँ। आपका अपकमिंग मूवी के बारे में सब? मेरी अपकमिंग मूवी है वर्चस्व, जो कोलरी माफिया पे है, धनबाद में शूटिंग हुई थी उसकी, धनबाद, गुजरात और मुंबई में हमारी सब शूटिंग हुई है, जिसमें रवि किशन, अक्षय उपराय, त्रिदा चौधरी, युविका चौधरी, ये सब हैं। काफ़ी अच्छे गाने हैं और स्पेशली होली के काफ़ी अच्छे गाने हैं, जो हर साल हमारी कंट्री को एक होली का नया गाना मिलता है, तो इस साल अगेन हमारी मूवी के माध्यम से आपको एक और होली का गाना मिलेगा, और काफ़ी अच्छे आइटम नंबर्स हैं। काफ़ी डेंजरस मूवी है, तो हाँ, हालांकि ये लिस्ट नहीं है बट काफ़ी डेंजरस मूवी है, काफ़ी मेहनत लगी है उसकी शूटिंग में, गर्मी सर्दी बरसात काफ़ी चीज़ें झेल के 6 महीने लगा के मूवी कम्प्लीट हुई है, तो होप बहुत अच्छी लगे, आप लोगों को पसंद आए। और अपकमिंग दूसरी मूवी है जोरा, जो जोरा और जोरावर दो पार्ट्स में आ रही हैं, जो राजीव राय सर की त्रिमूर्ति प्रोडक्शन की कम बैक मूवी है आफ्टर 14 ईयर्स, जिनकी पहली मूवीज रही है गुप्त, विश्वात्मा, त्रिदेव, हमारी फेवरेट मूवी जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, तो उस मूवी में काम करना एक ऑनर है, तो मैं फर्स्ट पार्ट में विलन हूँ। एंड अपकमिंग मेरा पर्सनल ब्रांड रन राइज अप न्यूट्रिशन, जो मैंने अभी ही लॉन्च किया है, ये स्पेशली एग प्रोटीन है, जो लोग एग नहीं खा पाते हैं या एग की स्मेल से प्रॉब्लम होती है या वे प्रोटीन से प्रॉब्लम होती है, ग्लूटेन से, सोया से, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें शुगर भी नहीं है, इसके बावजूद इसमें 8 फ्लेवर्स हैं, और कभी इसके धो के अगर शेकर आप धो नहीं पाए यूज़ करने के बाद तो कभी स्मेल भी नहीं आती है, तो इट्स अ वेरी रेवोल्यूशन है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर अबव 18 ईयर्स ओल्ड, स्पेशली फॉर गर्ल्स, लोग जो एग्स नहीं रख सकते, ट्रे ख़राब हो जाती हैं और बाकी ये सब चीज़ें, तो एक स्कूप में आपको 10 अंडों की पावर मिल रही है, तो व्हाई नॉट हैव एग्स विद अ गुड टेस्ट। फिल्मों में तो नेता और अभिनेता का रोल देखा ही है हमने। हाँ जी, हाँ जी। आज आप रियल में भी एक नेता और अभिनेता वाला जो है, आपके साथ एक नेता भी है और अभिनेता आप हैं। हाँ जी। तो क्या आप कहना चाहते हैं, गाजियाबाद में आए हैं, मुख्य अतिथि भी हैं आप दोनों, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, नेता और अभिनेता के होना तो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस हो गया रवि किशन जी के साथ काम करना, वो नेता भी है, अभिनेता भी है, और एक बहुत मैं क्या बोलूँ एनर्जेटिक आदमी भी हैं, और दूसरे हमारे बाबू भाई, मैं इनसे मिला, बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव वाइब्स आई, मेरे को वैसे किसी कुछ है मेरे को भगवान का दिया कि मेरे को वाइब्स पता चल जाती हैं, तो बाबू भाई वाइब्स बहुत अच्छी हैं, बहुत रिस्पेक्ट दी इन्होंने घर बुला के, तो बस हम सिर्फ रिस्पेक्ट और प्यार के मुके हैं इनके भी और जनता के भी, आप लोगों की वजह से हमारी मूवीज चलती हैं। सर, इतने लोगों के साथ आपने काम किया है। हाँ जी। तो सबसे बेस्ट आपको किसी लोगों के साथ? अब ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा, सभी बहुत बढ़िया है, अब तक ऐसा कुछ रहा ही नहीं। अब जैसे मेरी कुछ मूवी है जो मैंने विक्रांत मैसी और सनी सिंह के साथ भी शूट करी, यार जिगरी, वो रिलीज़ नहीं हुई, पर मेरा एक्सपीरियंस ऑल इन अच्छा लगा कि भगवान की कृपा से मैंने कभी कोई नॉर्मल रोल नहीं किया, हमेशा मुझे डायलॉग्स और बड़े रोल्स और एज अ विलन करेक्टर हुआ। लाइफ में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ बट नेगेटिव करना मुझे बहुत पसंद है, बचपन से मैं अमरीश पुरी जी का फ़ैन हूँ, तो उन्हीं की तरह मेरी सारी मूवीज़, मैं अभी ऐसे घूम रहा हूँ पर मेरी सारी मूवीज़ में मेरे लुक चेंज हैं, चाहे वो मेरा मुंह पे कट लगा हो या डार्कनेस हो या मैं बॉल्ड हूँ, तो मैं अपनी लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट केयर सिनेमाज के जरिए, क्या सिनेकेयर प्रोडक्शन के जरिए, जो ये ऑडिशन प्रोग्राम हो रहा है इसमें इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बनाया, उसके लिए इनका शुक्रिया। बहरहाल जो बच्चों को, प्रतिभाओं को निखरने का मौका दे रहे हैं, स्टेज फराहम कर रहे हैं, ये उससे बच्चों की हौसला अफजाई होगी, तो उसमें खुशी हो रही है कि साहब छोटे बच्चों को या कम स्टेटस वाले, लोअर बजट वाले क्या लगता है, एक्टर्स को प्रतिभा निखरने का मौका दे रहे हैं लोग। बच्चे कहाँ तक आगे बढ़ जाएंगे और क्या लगता है आपको, जैसे इन्होंने इस प्रोडक्शन का आयोजन किया है आज, और बच्चों को क्या महत्व मिलेगा? छोटे बैनर तले भी जब एक्टिंग होती है तो एक्टिंग है जी, तो उसे जब देखते हैं बड़े बैनर वाले भी उसे सेलेक्ट करेंगे, वहाँ को एकदम सीधा बड़े बैनर पर थोड़ी पहुँचता है, तो बहरहाल पहला कदम है ये, आगे कदम बढ़ेंगे, बच्चों को कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से गाँव से बच्चे आते हैं, उभरते हैं, तो आप मानते हैं जो बड़ा आदमी जब बनता है, बड़ी मूवी बनती है, छोटे से शहर से ही बड़ा होता है? भाई साहब, शहर गांव के बगैर अधूरा,
और हिंदुस्तान तो गांवों से बना हुआ है ना, और जितनी भी बड़ी प्रतिभाएं, टैलेंटेड प्रतिभाएं, जैसे आपके मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव से जलालुद्दीन, क्या नाम था उनका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमरोहा से, बदायूं से, समझे नहीं, दिल्ली से, सब छोटी छोटी जगह से ही तो गए हैं, जितनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं सब छोटी जगह से गई हैं, पहले छोटे स्टेज पर चले फिर ऊपर चले गए, जितना बड़ा बैनर उतना बड़ा नाम। क्या संदेश देंगे जनता को? आम जनता का तो इससे कोई खास सरोकार है नहीं, जो बच्चों का युवा पीढ़ी है जो एक्टिंग में तवज्जो रखते हैं, इंटरेस्ट है, मेहनत करें, आगे बढ़ें, यहाँ पे कामयाबी मिलेगी, आगे मिलेगा, आगे मिलेगी। बहरहाल सिनेकर प्रोडक्शंस बच्चों को जो मौका फराहम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है।